दोस्तों, भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के पहले ही दिन ट्रैविस हेड ने T20 अंदाज में शानदार शतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने तब शतक मारा जब उनकी टीम गहरे संकट में थी। ऑस्ट्रेलिया के 76 रन पर ही 3 विकेट गिर चुके थे और भारतीय टीम का मैच में पलड़ा भारी था, लेकिन ट्रैविस हेड और स्टीव स्मिथ दोनों ने शतकीय पारियां खेलकर ऑस्ट्रेलिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया है। ट्रैविस हेड का ये 6th टेस्ट शतक है, साथ ही साथ वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक बनाने वाले पहले प्लेयर भी बन चुके हैं। आज तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं जड़ा। दोस्तों, 29 वर्षीय ट्रैविस हेड ने T20 अंदाज में काउंटर अटैक करते हुए 60 गेंदों में अर्धशतक तो 106 गेंदों में सेंचुरी बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 14 चौके और एक छक्का आया। 29 दिसंबर 1993 को एडिलेड में जन्मे ट्रैविस हेड विकेट कीपिंग भी करते हैं। यह उनका ऑस्ट्रेलिया के बाहर पहला शतक है, साथ ही इंग्लिश सरजमी पर उनका यह अब तक का बेस्ट स्कोर है। इससे पहले ट्रैविस हेड ने 2019 एजबेस्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 51 रन बनाए थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला छक्का मारते हुए वो 90s में पहुंचे। इस दौरान मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने उन्हें अपनी बाउंसेस और शॉर्ट बॉलर से परेशान जरूर किया, लेकिन ये दोनों भी इन्हें पहले दिन आउट नहीं कर पाए। हालांकि मोहम्मद सिराज ने ट्रैविस हेड को दूसरे दिन आउट किया, लेकिन तब तक इन्होंने 174 गेंदों का सामना करते हुए 163 रन बना दिए थे, जबकि स्टीव स्मिथ 121 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने छोटी व विस्फोटक पारी खेलते हुए मात्र 69 गेंदों में 48 रन बनाए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ा। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद शमी व शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। जड्डू को केवल 1 विकेट ही मिल पाया। दोस्तों, यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक व क्रिकेट हिमालयाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दें।